हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। माय नेम इज नरेंद्र सिंह और ये आपका खूबसूरत सा चैनल है फिजिक्स गुरु। टुडेज टॉपिक इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब किसी बॉडी को किसी हाइट से, किसी हाइट मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, अर्थ के कंपेरेटिवली, अर्थ के रेडियस से कंपेरेटिवली, मतलब अर्थ के बिल्कुल पास हो, सरफेस के नियर इक्वल हो, ठीक है, तो उसे हम मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉल से पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं उनको, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो है फ्री फॉल में, वो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, और जी की वैल्यू होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए इधर इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, पहले क्या होती थी, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी ना, चलो सेकंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, और थर्ड थी v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसका नाम था क्या था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, इसका नाम भाई, इसका नाम क्या था, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, और इसका क्या नाम था भाई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। बिकॉज ए तो सब में कांस्टेंट है, इसलिए इसको हमने डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोला था, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और इसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन बोला था। इसमें एक चीज़ की और बहुत से अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है, ज़बरदस्ती डाल लीजिए उसको। क्या है डालने वाली बात, डालने वाली बात यह है, इसमें हर चीज़ वेक्टर है, यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है, इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट है, इसमें ये डिस्टेंस नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं है, इसे भाई इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन क्या बोला जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे ऐसे डिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है, चलो ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी में कर देते हैं। इसके अंदर क्या क्या नोटेशन, नाम नाम चेंज करना, कुछ नहीं चेंज करना, कैसे, यहां पे v की जगह तो v आएगा, वेलोसिटी तो v रहता है, u भी u ही रहता है, ठीक है, लेकिन a किसके बराबर बन जाता है भाई, a बन जाता है g, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा यहां पे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब कौन बच गया, s, s बन जाएगा h हाइट, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल में तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता था, लेकिन यहाँ तो हाइट पे, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी तो ऐसे वर्टिकल से ही तो ड्रॉप करेंगे किसी बॉडी को, यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ से किया, ऊपर फेंक दिया, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हाइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब और कोई बच गया, कुछ नहीं बचा और, तो ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फर्स्ट थी, ये सेकेंड थी, ये थर्ड थी, चलो फर्स्ट क्या थी, v, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड क्या बन गई भाई, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड बन गई v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच। ये तीनों इक्वेशन यही थी, इसके अंदर अरे डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को हमने वहाँ पे हाइट ले लिया बस, जो एक्सेलरेशन था उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लिया, कोई फ़र्क पड़ा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल से, समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब देखिए इधर कि इनको ए को और जी को एच को, ठीक है, कब पॉजिटिव लें और कब नेगेटिव लें, सबसे बड़ी समस्या ये है। इधर देखिए, अब अच्छे से देख लीजिए इधर, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस में डायरेक्शन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन क्या है, इनका सभी का कंफ्यूजन अभी खत्म हो जाता है। कैसे कि भाई कभी बोलते हैं कि भाई ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जगह दे रखा मिलेगा कि क्या, अगर भाई नीचे की तरफ जी की वैल्यू नेगेटिव है, कुछ में बोल दिया कि ऊपर की तरफ जी की वैल्यू नेगेटिव ले लिया, ठीक है, कुछ मत करो याद, एक चीज़ याद रखो कि भाई ये पॉइंट है ऊपर की तरफ, क्या जो भी चीज़ होंगी, जो भी, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेंगे। ये बात को अच्छे से याद कर लो,
लेकिन अप्लाई हर जगह करेंगे, ध्यान रखना इस बात का, जिस भी बॉडी की, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, हाइट, कुछ भी लें, ये तो वेक्टर ही तो है यहाँ पे, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपवर्ड तो पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लो, ठीक है, डायरेक्शन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनिए, अगर अपन ने किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव, यू है, यू कितना आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, अपवर्ड थ्रो किया, मैंने बोला एक बॉडी को मैंने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, इसका मतलब ऊपर गई है, ऊपर की तरफ मैंने क्या लिया, डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ फेंका है, ड्रॉप किया है, ठीक है, या उसकी वेलोसिटी पूछी है, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी आएगी नेगेटिव, यू बोलो, वी बोलो, कुछ भी, जो वेलोसिटी नीचे होगी वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ये यू भी हो सकती है, ये वी भी हो सकती है, ध्यान रखना कभी, ये ऊपर भी वी भी हो सकती है, प्लस वी भी हो सकती है, ठीक है। भाई फाइनल वेलोसिटी पूछे, ऊपर ही तरह जा रहा है अभी भी, तो वो पॉजिटिव होगी, ऊपर जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, दोनों ही पॉजिटिव होंगी अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों ही नेगेटिव होंगे, ठीक है। चलो, हाइट अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ जो हाइट होगी, ये ऊपर की तरफ जो हाइट होगी ये पॉजिटिव होगी भाई, हाइट क्या होगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो हाइट ली वो क्या होगी, पॉजिटिव। बोल दिया कि एक बिल्डिंग है, उसको ऊपर वर्टिकल, उसके बेस से कोई बॉडी ऊपर की तरफ थ्रोगी, तो बिल्डिंग तो ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल ऊपर की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी, वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। चलो, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ नेगेटिव होगी। बोल दिया एक टॉप ऑफ बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं अपन, बिल्डिंग्स भी हमने एक को स्टोन को क्या किया, ड्रॉप किया, ठीक है, कंडीशन ये, नीचे कोई आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं सर फूट जाएगा, ठीक है। तो बॉडी को हमने जैसे ही ड्रॉप किया, ड्रॉप करते ही नीचे की तरफ जाएगी, तुमने यहाँ से थ्रो किया, इसका मतलब क्या हो गया, नीचे तुम्हारे जहाँ से खड़े हो उससे लेवल से नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब अब की बार हाइट को क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। मैंने बोला था ना ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब एक चीज़ में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन क्या है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लें, दिमाग में ये डाल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ही होती है। अरे कोई बॉडी को ऊपर फेंको तो भी वो नीचे ही जाएगी, वो नीचे मतलब कैसे, यहाँ से चौक में ऊपर फेंकूँ, यहाँ पे जाके रुक जाएगा, फिर नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ नीचे रिटार्डेशन हुआ तभी तो ये रुक रहा है, कोई बॉडी में रिटार्डेशन नहीं होगा तब कैसे रुकेगा, है ना, तो अभी भी नीचे थी, फिर ये क्या हो गया, यहाँ से अपने आप ही आ जाएगा नीचे, बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा ना, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज टुवार्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ही होगी, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी ऑलवेज नेगेटिव, जी ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव, चाहे ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जी की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है, ध्यान रहे, जो ऊपर फेंका वेलोसिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, हाइट ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जी की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी तो भी नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ आएगी तो भी नेगेटिव ही होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया, इन सभी चीज़ों को नोट कर लो फटाफट से। अभी करते हैं क्वेश्चन, कर लिया नोट, इधर देखिए, अब न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर लेते हैं, क्या कि भाई देखो इधर, अगर ये बॉडी है कोई भी, ठीक है, इसको ड्रॉप करना चाहते हैं हम, ड्रॉप करना चाहते हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक है, चलो इसको कर देते हैं ड्रॉप। तो जब ड्रॉप करेंगे तो भाई ऐसे तो अपने ड्रॉप करना मतलब क्या था, छोड़ना है, मतलब इसको इसको इनिशियली क्या थी, जीरो, तो जब ड्रॉप करेंगे तो यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, समझ में आया कि नहीं आया, जब ड्रॉप करेंगे तो, ठीक है, तो जब भी ड्रॉप करें जी की वैल्यू, नहीं सॉरी, यू की वैल्यू क्या लेनी है हमें, जीरो लेनी है, ए की वैल्यू तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ही है, ठीक है, और जी की वैल्यू जो होती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर अपने को नहीं दे रखी हो, अगर भी ठीक है जी की वैल्यू 9.8 नहीं दे रखी हो, तो तुम्हें या तो वैल्यू दे ही नहीं रखी हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ दे रखी हो तो 9.8 लेना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में खुद ही दे देता है कि ये जी की वैल्यू टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब अपने को बोला जाए तो हम जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो न्यूमेरिकल आसानी से डिवाइड करना है, 9.8 में डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जोर पड़ेगा 10 से आराम से काट देंगे जीरो से जीरो को, है ना, तो
कमजोर पड़ेगा। इस वजह से जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे दे तो, कई बार नहीं दे तो 9.8 ले लेना, क्योंकि उससे जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि वो 19.6 वगैरह दे देगा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, तो यू की वैल्यू निकाल ली भाई, यू की वैल्यू सॉरी ड्रॉप किया तो यू की वैल्यू 0। अगर बोल दिया जाए एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, तो ये बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू 0 हो जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी को हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी, फिर ही तो नीचे आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें बोला जाए कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आगे बताओ जल्दी से, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, यही तो होता है। अरे एच इजिकल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ये यू की वैल्यू कितनी होगी 0, तो एच इजिकल टू कितना हो गया हाफ जी टी स्क्वेयर, हो गया कि नहीं हो गया, एच इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने तो कैसे कर दिया, अगर माइनस प्लस तो आपने लिया ही नहीं, खुद ने थोड़ी देर पहले बताया था कि नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो चलो मैं ले लेता हूँ, माइनस एच ले लिया, यू की वैल्यू तो 0 है, ड्रॉप किया है। अब देखो माइनस जी की वैल्यू नीचे की तरफ क्या थी, नीचे ऊपर जी की वैल्यू माइनस आनी थी, तो माइनस 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 प्लस हो गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई हाफ जी टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू कितनी आई भाई, 2h अपॉन g का रूट। तो अगर कोई बॉडी को डायरेक्ट बोल दिया जाए कि तुम्हें ड्रॉप की है, तो तुम सीधा लिख सकते हो रूट 2h अपॉन g उसका टाइम होगा, कब कौन सा टाइम, जितने टाइम वो हवा में रहा, एयर के अंदर जितना टाइम रहा। समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है। इसके अंदर बॉडी को फेंका अपन ने, ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ फेंका तो बोल दिया ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, v 0 थी तो v इक्वल टू u प्लस जी टी होता है, चलो ठीक है। ऊपर की तरफ सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, किसको छोड़ के, g को छोड़ के, ठीक है, तो इस कोई बात नहीं, v की वैल्यू 0 ले लेते हैं, u ऊपर की तरफ कितना था पॉजिटिव, तो प्लस u लिख सकता हूँ, ऊपर की तरफ g की वैल्यू माइनस ही थी जी टी, तो u इज माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू जी टी, और t की वैल्यू कितनी आई u बाई जी, इतने टाइम में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। ये मैं तुम्हें बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें निकालना है ना, समझ में आया कि नहीं आया। अगर कब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें ये मिलेगा, ये इनडायरेक्ट रूप से मिलेगा, समझ में आया कि नहीं आया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी को ड्रॉप किया जाए हाईएस्ट पॉइंट से, तो यू की वैल्यू 0 होती है, और कहीं किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइनल क्या होती है हमेशा 0, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो कर लिया नोट, नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट देखिए, अब करते हैं न्यूमेरिकल वन नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए इधर, फर्स्ट इफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इफ ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द टाइम टेकन ऑफ होल जर्नी बोल दो, या इसके अंदर बोल दो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पता क्या होता है, यहां से गया जाके वापस आया, ठीक है। तीसरा, व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और व्हाट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल द रीच फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अगर मतलब अर्थ से जहां से तुमने फेंका है वहां से हाईएस्ट पॉइंट में जाने में कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट कितनी थी, कितनी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। ये इसके क्वेश्चन है। फर्स्ट देखो, यू की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी को बॉल को यहाँ से थ्रो किया, ये बॉल है इसको थ्रो किया, यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गई हाईएस्ट पॉइंट पे, तो एक बात तो कंफर्म हो गई, अगे भाई फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, ये तो पता लग गया, क्यों, हाईएस्ट पॉइंट का नाम आते ही फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है, ठीक है। तो भाई ये तो लगा टाइम इसको पहुँचने में टी, तो और ये हाइट थी भाई एच, दो चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहला किसको लें भाई, सबसे पहले टाइम निकालने के, तो v इजल टू यू प्लस 80 है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई बात नहीं। फर्स्ट टाइम टू टेक रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो t पूछा है, स्मॉल t मान लेते हैं,
स्मॉल टी, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होगी निकालनी है अपने को, तो वी इजिकल टू फर्स्ट लो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वी इजिकल टू यू प्लस जी टी, वी इजिकल टू जीरो, ठीक है, यू तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो इजिकल टू यू माइनस जी टी होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यू की वैल्यू कितनी थी भाई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन में पहले से दिया है जी टेक जी इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये क्वेश्चन में पहले से दे दिया, ठीक है, जी इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, यू इजिकल टू जी टी, तो टी इजिकल टू कितना हो गया, यू डिवाइडेड बाई जी, तो यू की वैल्यू कितनी थी, 20 डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 2 सेकेंड, तो टी इजिकल टू कितना हो गया, 2 सेकेंड। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पूरी होल जर्नी की, गया और वापस आया। अब एक बात और सुनिए, जितनी देर में ऊपर जाएगा उतनी ही देर में तो नीचे आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म है, समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्सेलरेशन जाते टाइम रिटार्डेशन था, आते टाइम वही एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब दोनों टाइम बराबर होंगे। तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टी प्लस टी, टी मतलब टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट वाला होता है टाइम, एसेंट होता ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाला टाइम, एसेंट ये नीचे डिसेंट, समझ में आया कि नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर हो गए। तो टी इजिकल टू टू टी, टू इंटू टी की वैल्यू टू इजिकल टू कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया भाई, 4 सेकेंड। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या था इसमें, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाली जो जहाँ से फेंका था जहाँ से लेके हाईएस्ट पॉइंट पहुँच गए वो डिस्टेंस कितनी होगी या हाइट कितनी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच इजिकल टू कितना होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू कितनी, एच है यू 20 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला टाइम 2 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया था ना, देखो यू की वैल्यू पॉजिटिवली ऊपर, हाइट ट्रेवल की तो पॉजिटिव ले ली, तो लेकिन जी की वैल्यू तो माइनस ही आएगी ना, हाफ जी की वैल्यू 10, टी स्क्वेयर की वैल्यू 4, 2 जा 4, तो कितना हो गया, एच इजिकल टू 40 माइनस 20 इजिकल टू 20 मीटर हाइट। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, एच इजिकल टू 20 मीटर, समझ में आया, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, अच्छे से दिमाग में डाल लो, ठीक है, और पहले नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर देखिए, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से यहां से एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, कितनी स्पीड से, यू इजिकल टू 20 मीटर पर सेकंड से, यू इजिकल 20 मीटर पर सेकंड, ये यू है, ठीक है, यहां लिख देता हूं, यू इजिकल टू 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया, ठीक है, और ये बॉल है ये 6 सेकंड में अर्थ पे पहुंच गए, अर्थ सरफेस पे पहुंच गए, कितने टाइम में, 6 सेकंड में, ध्यान रखना, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्वेश्चन में 10 लेनी है अपने को, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आया, फिर से बताओ, देखो इधर एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड 20 मीटर पर सेकंड किसी बिल्डिंग के टॉप से ऊपर की तरफ थोकी गई है, और ये पूरे यहां तक पहुंचने में इसने टाइम लगा है, टी इक्वल टू 6 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, चलो निकालते हैं भाई हाइट ऑफ टावर क्या किया जाए। देखिए इधर सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, यहां से लेके यहां पे जो बुक्स में मिलेगा इधर देखिए वो क्या मिलेगा, यहाँ पे वी की वैल्यू जीरो ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो, वी इजिकल टू यू प्लस 80 से, तो ये निकल जाएगा, वी इजिकल टू यू प्लस जी टी से निकल जाएगा, ठीक है, t
टी की वैल्यू, क्योंकि वी की वैल्यू जीरो है तो यू बाई जी इजगल टू टी आ गया, यू बाई जी इजगल टू टी आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालो, फिर टोटल हाइट निकालो, इन दोनों टोटल में से ये माइनस कर दो तो एच आ गई। काफ़ी बड़ा काम, लंबा चौड़ा काम करना पड़ा अपने को, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अपन वेक्टर से डायरेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि अपने को पता है डायरेक्शन, अपन ने पहले से साइन करना है, ऊपर के तो सारे पॉजिटिव, नीचे के तो सारे सारे नेगेटिव, जी हमेशा नेगेटिव। ठीक है, इधर देखिए, अब डायरेक्ट एच इजिकल टू लगाओ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एच की वैल्यू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर आ गई, कोई दिक्कत नहीं, तो कर लेते हैं एच की वैल्यू। अभी इधर देखिए, ये एच किधर है रे, तुम यहाँ पे हो तो यहाँ से नीचे जो होंगे सारी चीज़ें नेगेटिव, यहाँ ऊपर होंगी सारी चीज़ें पॉजिटिव, जी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो नीचे एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव माइनस एच। यू कहाँ पे का, ऊपर की तरफ प्लस यू टी। अब देखो जी की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एच इजिकल टू यू की वैल्यू 20। टाइम, टोटल टाइम टी की वैल्यू कितनी थी, 6 सेकेंड इंटू 6 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है भाई, ये हो गया 18, ये हो गया माइनस एच इजिकल टू 120 माइनस, ये कितना बच गया भाई, 180। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, माइनस एच इजिकल टू माइनस 60 और एच इजिकल टू कितना हो गया, 60 मीटर। ये हमारा डायरेक्ट आ गया, हमें ये नहीं निकालना पड़ा। समझ में आया कि नहीं आया, ये यहाँ से लेके ये नहीं निकालना पड़ा, अपने को डायरेक्ट एच आ गया, क्योंकि अपन ने एच पहले से ही इसी वैल्यू को अपन ने एच माना था। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन लगा के करोगे तो डायरेक्ट एक लाइन में ही ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। समझ में आ गया, आ गया अच्छे समझ में, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इधर, ओ तेरी तो चौक टूट गया। इधर देखिए ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हैं हम, कितनी हाइट है स्टोरी बिल्डिंग की, 25 मीटर हाइट है, कोई बात नहीं, काफ़ी हाइट है भाई इसकी। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ यू इजिकल टू 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को थ्रो किया अपवर्ड। ठीक है, बॉल वैसे गई ऐसे आई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाइस्ट पॉइंट पहुँच के ये यहाँ पे पहुँच के फाइंड द, क्वेश्चन में यही गिवन है, जी इजिकल टू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे खड़े हैं, फेंक दिया एक, ठीक है, यहाँ से फेंका, यहाँ गया ऐसे है, यहाँ पे स्ट्राइक किया। क्वेश्चन क्या है, हाइट बिल्डिंग की 25 मीटर है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। क्वेश्चन ये है, हाउ हाई द बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट, और ये बोल सकते हैं द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। समझ में आया कि नहीं है कि भाई बॉल कितने टाइम में हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी, नहीं सॉरी, कितनी मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगी और कितने टाइम में ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, दो क्वेश्चन इसमें। तो फर्स्ट यहां से लेके यहां तक का टाइम निकालना है, सॉरी हाइट निकालनी है, ये यहां से लेके यहां तक की तो हाइट निकालनी है, और दूसरे ये यहां से लेके यहां तक का कंप्लीट टाइम निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को हाइट निकालनी है। ठीक है, तो क्या वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू एच ले लेते हैं, हाइट ले लिया एच अपन ने, तो वैल्यू कितनी आएगी भाई, एच ही ले लो या इसकी वैल्यू एच डैश ले लो, क्योंकि एच अपन इसको मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ले लो एच वन ले लेते हैं, तो एच वन की वैल्यू कितनी आएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, या इसके अंदर वी प्लस यू प्लस 80 की लगाने की जरूरत है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GH1 कर देते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, तो जीरो इजिकल टू माइनस ऊपर की तरफ है पॉजिटिव 20 का स्क्वायर इजिकल टू 2G की वैल्यू 10 और H1 की वैल्यू आगे डायरेक्ट ही आ जाएगा, और G की वैल्यू 10 क्या लेगी, माइनस लेंगे इसमें, क्यों, अबे याद करो G ऑलवेज नेगेटिव भाई,
ठीक है, तो ये कितना आ गया माइनस बीस का स्क्वेयर, और ये कितना हो गया माइनस बीस इंटू एच वन, कट गया माइनस से माइनस कट गया, तो एच वन की वैल्यू तो 20 मीटर आ गई कि नहीं आ गई। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन और ऐड हो सकता है, कैसे, ये एच वन 20 मीटर है, हो सकता है तुम्हें ये क्वेश्चन में दिया हुआ, कभी तुम हमेशा ये याद करोगे ये मैक्सिमम नहीं, ग्राउंड से पूछी गई हो तो हाइट कितनी होगी 25 प्लस 20 तो 45 आंसर आता, बिल्डिंग के टॉप से पूछी गई है तो इसका आंसर 20 आता। समझ में आ गया दोनों चीज, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां बताओ एच की वैल्यू, ये मान लेते हैं एच की वैल्यू 25, डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू कितनी है एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वेयर, अप्लाई कर देते हैं एच की वैल्यू कितनी है माइनस 25, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड है, यू 20, टी अपने को नहीं पता, टोटल टाइम कितना लग गया यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में टी, माइनस हाफ जी 10 कर देता हूँ मैं और टी स्क्वेयर, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस पहले कर दिया इसके अंदर, देखो जी की वैल्यू माइनस 10 थी इसलिए मैंने पहले इसको माइनस कर दिया, कट कर दिया 5, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 25 20 टी माइनस 5 टी स्क्वेयर, 5 20 और 5 5 25, तो ये कितना आ गया, इसको ले आते हैं टी स्क्वेयर को इधर, तो ये कितना आ गया टी स्क्वेयर, ये इधर आया तो कितना आया माइनस 40 और माइनस 5 इजिकल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, हमें पता है किस तरीके से सोल्व की जाती है, चलो इधर देखिए, इसके वाले फैक्टर बना लें इसके, तो फैक्टर कितने कितने बने इसके, टी स्क्वेयर माइनस प्लस टी ले लेते हैं और माइनस 5 टी और माइनस 5 इजिकल टू 0 ले सकते हैं, देखो इधर प्लस टी और माइनस 5 टी एड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा, वैसे 5 टी स्क्वेयर है मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है देखो, तो यहाँ पे आ गया टी कॉमन, तो टी कॉमन आया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई टी प्लस 1, और यहाँ पे कितना कॉमन आया माइनस 5 कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना टी प्लस 1 इजिकल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आई, एक तो टी प्लस 1 आ गई और एक कितनी आई टी माइनस 5 इजिकल टू 0, तो टी प्लस, तो टी की वैल्यू माइनस 1 आ गई, इससे टी की वैल्यू कितनी आई 5 आ गई, टाइम नेगेटिव होता नहीं है इसलिए टी की वैल्यू कितनी आई 5 सेकंड, तो टी इजिकल टू 5 सेकंड में ये अर्थ से वापस स्ट्राइक कर जाएगी, ग्राउंड से जहाँ पे फेंकी गई थी वहीं पे वापस कितने टाइम में स्ट्राइक कर जाएगी 5 सेकंड में स्ट्राइक कर जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, अरे कुछ नहीं करना, देखो इधर वही नीचे की तरफ नेगेटिव लो ऊपर की तरफ पॉजिटिव लो, देखो एच को नीचे माइनस 25 ऊपर यू 20 एज इट इज, जी ऑलवेज नेगेटिव, पुट किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, हो गया, फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम ए हाइट एंड फॉल्स फ्रीली टुवार्ड्स द अर्थ एग्जैक्टली 1 सेकेंड लेटर अनदर बॉडी इज रिलीज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज आफ्टर 2 सेकेंड रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी। सुनिए ध्यान से बिल्कुल अच्छे से, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप हो गई, ठीक है, स्टॉप वॉच ऑन कर रखिए, देखो पहली बॉडी ड्रॉप की, ड्रॉप एक, दूसरी बॉडी ड्रॉप, ठीक है, इसका मतलब पहली बॉडी जब ये यहाँ थी ड्रॉप की 1 सेकंड में यहाँ तक पहुँच गई थी तब तो दूसरी बॉडी रिलीज हुई है ना, तो क्या बोला अगले ने, इनके दूसरी बॉडी रिलीज करने के 2 सेकंड बाद इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, तो इसका मतलब कितना 1 2, तो इसका मतलब ये दूसरी बॉडी यहाँ पहुँच गई होगी, ये तो कितनी चली 1 2 सेकंड चली दूसरी बॉडी तो, और पहली बॉडी कितनी चलेगी 3 सेकंड, देखिए इधर ध्यान से, देखिए ध्यान से दोबारा सोचिए, इधर देखिए ये थी सपोज पहली बॉडी, हमने किया इसको ड्रॉप, ड्रॉप किया ये बॉडी गई 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 यहां पहुंच गई थी, तब तो दूसरी बॉडी को रिलीज किया हमने, तब दूसरी बॉडी को रिलीज किया तो इसका मतलब तो पहले ही आगे 1 सेकंड तो इससे आगे चलेगी चलेगी, ठीक है ना, अब जब 2 सेकंड बाद रिलीज के, दूसरी बॉडी रिलीज करने के 2 सेकंड बाद इनके बीच में सेपरेशन पूछा है, तो अब क्या कर सकते हैं, सपोज हम मान लें अगर भाई यहाँ से रिलीज किया पॉइंट को, ठीक है, अब रिलीज किया तो इसका मतलब क्या होगी, ये पहली बॉडी सपोज यहाँ होगी और दूसरी बॉडी बीच में कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे होगी, ठीक है, ये सेकंड बॉडी और ये फर्स्ट बॉडी,
ठीक है। अब सुनिए भाई, यहाँ से रिलीज किया तो ध्यान से सुनिए, तो फर्स्ट बॉडी कितने टाइम चल चुकी, इसको पता है, अपने को पता है, ये कितने टाइम चली, 2 सेकंड बाद, सेकंड बॉडी की रिलीज कर रहे हैं 2 सेकंड बाद, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना था, टी इक्वल टू 2 सेकंड है कि नहीं, ये 2 सेकंड ही चली और ये इससे 1 सेकंड पहले ड्रॉप की थी, इसका मतलब ये 1 सेकंड और चली, तो इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी चली, टी इक्वल टू 3 सेकंड चली, इसका मतलब सेकंड बॉडी तो चली टी इक्वल टू फर्स्ट बॉडी चली टी इक्वल टू 3 सेकंड और सेकंड बॉडी चली टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट बॉडी हाइट h1 चली और ये चली h2, इनके बीच में सेपरेशन कितना होगा, ये सेपरेशन होगा, इसे बोलेंगे h1 माइनस h2। तो हमें क्या पूछा है, 2 सेकंड बाद सेपरेशन पूछा है, इसका मतलब 2 सेकंड बाद सेपरेशन कितना होगा, h1 माइनस h2, ठीक है। चलो करते हैं, ये h1 माइनस h2 की वैल्यू निकालनी है तो पहले क्या करें, इसका मतलब सीधा कर सकते हैं इसको, क्यों, h1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, u कितना रे, 0, ड्रॉप किया है भाई, ड्रॉप किया है तो u की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, 0 होगी। h1 नीचे की तरफ ये नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस h1 इक्वल टू माइनस हाफ gt स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये माइनस माइनस कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी, h1 इक्वल टू कितना है, हाफ gt 1 स्क्वायर t1 स्क्वायर, तो t1 की वैल्यू 3 ले लेते हैं, t2 की वैल्यू 2 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, तो t1 स्क्वायर आ गया, h2 सिमिलरली कितना आएगा, हाफ gt2 स्क्वायर, सेपरेशन पूछा है तो अपने को h1 माइनस h2 तो इक्वल टू हाफ gt1 स्क्वायर माइनस हाफ gt2 स्क्वायर, तो भाई h1 माइनस h2 की वैल्यू आ गई 1/2 g कॉमन t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, हो गया। तो h1 माइनस h2 की वैल्यू 1/2, अब g की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, सपोज g की वैल्यू नहीं दे रखी अपने को इसमें कुछ भी, तो g की वैल्यू कितनी लेंगे, मैंने बोल रहा था क्वेश्चन में नहीं लिखी मिले, तो g की वैल्यू 9.8 लेनी है, तो ये लिखेंगे 9.8। भाई t1 की वैल्यू कितनी रे, 3, t2 की वैल्यू 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, यहाँ लिख देते हैं, आगे करते हैं, h1 माइनस h2 इजिकल टू कितना आ गया, 1/2, ये 4.9 हो गया, इसकी वैल्यू 4.9 इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, h1 माइनस h2 इजिकल टू 4.9 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 45, ठीक है, 20 और 24 24.5, तो h1 माइनस h2 इजिकल टू 24.5 मीटर, इन बॉडी के बीच में 2 सेकंड बाद ये सेपरेशन होगा 24.5 मीटर होगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, पहली बॉडी ड्रॉप की कुछ, देखो एक बात और बता देता हूँ, जो फर्स्ट बॉडी होगी ना, जितने टाइम बाद ड्रॉप की